नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली के विधानसभा सत्र को 22 फरवरी से शुरू होना है और यह सत्र 6 दिन का रखा गया, इसलिए दिल्ली के विधानसभा प्रतिपक्ष अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मनदीप सिंह सिरसा, महेश शर्मा और जगदीश प्रधान, इन सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यह मांग की है कि पिछली जो विधानसभा सत्र थी वह 16 दिन की थी और इस बार मात्र 6 दिन की है, इसको बढ़ाने का भी वह आग्रह करेंगे। और दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली एक है और यह देश की राजधानी है और यह राजधानी रहेगी। आम आदमी पार्टी के अनुसार के NDMC एरिया केंद्र के पास से वह बाकी एरिया दिल्ली सरकार के पास रहे और अब यह पूर्ण राज्य के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह भी चुनाव आने के पास यह अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं और कुछ नहीं, यह केजरीवाल की बौखलाहट है। और इस बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम सरकार से कुछ ऐसे ज्वलंत विषयों पर सीधा जवाब मांगेंगे जिन सवालों से वो सामान्यतः बच रहे या भाग रहे। आज देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से राष्ट्र विरोधी शक्तियां देश के अंदर देश को कमजोर करने का काम कर रही है, ऐसे में JNU में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उन्होंने जो नारेबाजी की और जिस तरह से मामला अदालत में, और जब मामला अदालत में आम आदमी पार्टी मिली और इसलिए उन्होंने उस मामले को देर करने के लिए जो दिल्ली की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है अदालत में और अदालत ने भी टिप्पणी की है कि आप इस मामले को क्यों रोक रहे हैं और हम दिल्ली की सरकार से, आम आदमी पार्टी से, उनके नेताओं से सदन में ये सवाल करेंगे और फिर सदन में कितना भी हंगामा क्यों ना हो हम रुकने वाले नहीं। पूछेंगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग की न्याय प्रक्रिया की फाइल को क्यों रोका गया है, जिस तरह की बहानेबाजी की जा रही है वो बर्दाश्त के बाहर है। आज पूरा देश जल रहा है, एक एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान की हरकतों से अपने आप को पीड़ित समझ रहा है, मान रहा है। जिस तरह से 40 जवानों को धोखे से, बुजदिली से, कायरतापूर्ण तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे के साथ उनकी हत्या की गई है, जीरो टॉलरेंस है। केजरीवाल जी, आप जो टॉलरेंस, जिस जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा हूं, केजरीवाल जी आप बताइए आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। हमें ये जानना है कि आप क्यों उन आतंकवादियों के साथ चलने वालों के साथ मिले हुए, क्या आपका एजेंडा भी आतंकवाद को बढ़ावा देना है, राष्ट्र विरोधी शक्तियों को बढ़ावा देना है, क्या आपका एजेंडा भी जो पाकिस्तान का एजेंडा है उससे मेल खाता है? और अगर ऐसा है तो फिर हम जनता के बीच में और जनता इसका फैसला करेगी। इसके साथ साथ आप लगातार लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों ट्विटर पे भी आपने ये कहा कि दिल्ली में पिछले 4 सालों में 24 लाख वोट कटे हैं, पिछले 4 सालों में, यानी कि 2015 से 15। आपने ई-पॉस रैशनिंग बंद कर दी, ई-पॉस सिस्टम, फेज 4 मेट्रो को आप डिले कर रहे हैं, अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने में जो आपने देरी की और उनकी बाउंड्री 4 साल में तय नहीं की, और इसके साथ साथ आपने रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को के काम में अड़ंगे अड़ाए,
इस तरह के तमाम मामले। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विधायक साथी मौजूद हैं यहां पर, श्री ओपी शर्मा जी, श्री हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे मेरे राइट लेफ्ट में बैठे भाई जगदीश प्रधान जी, हम सब ने सदन में 63 सवाल नियम 33 के तहत सरकार से पूछे हैं। हमने सदन के अंदर नियम 55 चाहते हैं कि सदन के अंदर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन का भी प्रावधान किया जाए, जो सरकार जानबूझकर उसको अवॉइड करती है। वो ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में सरकार बताएगी, लेकिन अभी नीलकांत जी ने एक वीडियो यहां पर दिखाया जो वायरल भी हो रहा है और जो जगह जगह दिखाया जा रहा है, और वो है, उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे साथ समझौता कर लो। ये केजरीवाल जी की बौखलाहट को दर्शाता है। ये उनके जो उनका जो ग्राफ तेजी से दिल्ली में नीचे आया है कि वो कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे साथ समझौता कर लो, और जिस तरह से वो भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर, फिरकाप्रस्त लोगों के साथ मिलकर जो है ग्राफ इससे नीचे गिर रहा है। जैसे आप जानते हैं देश के अंदर जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो आज जो पाकिस्तान ने करतारपुर हमला किया, हम दिल्ली की सरकार से यह भी मांग करेंगे, जब पठानकोट में ये अटैक हुआ था अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपया दिया था, जब यूपी के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी के अफसर का कत्लेआम हो जाता है उनको भी उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था। ये जवान जो 40-41 जवान हमारे शहीद हुए हैं, ये पूरे देश के अंदर इसको लेकर रोष है, गुस्सा है। सभी स्टेटों ने उनको आर्थिक अनुदान दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि 1 करोड़ रुपया दिल्ली से उन्होंने अनाउंस किया था, तो हम जरूर चाहेंगे कि इन परिवारों को भी 1-1 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी जैसे पठानकोट के लिए उन्होंने दिया था और जैसे उन्होंने बाकी दिल्ली से बाहर रहते हुए लोगों को जिनका दिल्ली से कोई वास्ता नहीं था, सरोकार नहीं था, उनको दिया था, इनको भी दिया जाए। दूसरा, दिल्ली विधानसभा के अंदर पाकिस्तान की इस बर्बरता के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया जाए जिसमें दिल्ली के सारे एमएलए यूनैनिमसली ये पास करें कि पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन है और ऐसे दुश्मनों के साथ अगर किसी भी प्रकार का इस देश का कोई वासी कोई भी तरीके का रिश्ता रखता है उससे उससे देश के लोगों का नाता तोड़ना चाहिए, ऐसे कहर लोगों को देश से जूते मारकर भगाना चाहिए। जो लोग आज भी पाकिस्तान की बात करते हैं, देश के अंदर पाकिस्तान की बात करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा रेजोल्यूशन हमारी विधानसभा में पारित होना चाहिए। और मैं अंत में अपनी इस विधानसभा के अंदर जो दिल्ली के लोगों ने 66 MLA चुनकर भेजे थे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की इस मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं, दिल्ली के इस मैंडेट को आज उसी कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं अलायंस करने के लिए, जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दिया था, करप्ट कॉरपोरेशन करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ एक मैंडेट दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि करप्शन में सबसे चरम सीमा पे शीला दीक्षित हैं, उन्होंने कहा था कि घोटाले पे घोटाला ये सरकार कर रही है, और लोगों ने उस सरकार के खिलाफ इस सरकार को मैंडेट दिया था 766 सीटें जिताकर। आज दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैंने बहुत कोशिश की कांग्रेस को समझाने की लेकिन कांग्रेस अलायंस नहीं कर रही, और अरविंद केजरीवाल इसलिए अलायंस करना चाहते हैं क्योंकि जो चोरियां कांग्रेस ने की थी उससे बड़े घोटाले अब आम आदमी पार्टी ने किए हैं, और वो चाहती है कि चोर चोर उसेरे भाई ये इकट्ठे हो जाएं ताकि आने वाले दिनों में जब भाजपा की सरकार आए तो जब ये इन पे मुकदमे दर्ज हो, इनकी चोरियां सामने आए, तो कम से कम इनका कोई समर्थन देने वाला हो। दूसरी बात, दिल्ली के लोगों को उन्होंने स्पष्ट ये मान लिया
कि जिस सरकार को जिस लोग जिस पार्टी को दिल्ली ने 67 सीटें जिताई थी, आज वो सरकार आज वो पार्टी दिल्ली के अंदर एक लोकसभा जीतने के भी काबिल नहीं रह गई। यह भी उन्होंने दिल्ली के लोगों को बताया। इस अलायंस के हाथ जोड़ने की बात करके कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की, बार बार कांग्रेस को मनाया, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही। ये उन्होंने मान लिया कि पिछले 4 साल उन्होंने दिल्ली के लोगों के बर्बाद किए हैं, अब दिल्ली के लोग उस पार्टी को वोट नहीं डालना चाहते, इसलिए वो कांग्रेस के भी पैर पकड़ रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं उस करप्ट कांग्रेस के, जिससे बड़ी आज खुद ये करप्ट हो चुके हैं। हमें बड़ा अफसोस है दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्हें छला है, ठगा है। और अब भी मुझे इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल अभी भी अगर पाकिस्तान की जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, देश के प्रधानमंत्री को छोटा दिखाने के लिए हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, मुझे अभी भी कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर अभी भी वो विधानसभा के अंदर पाकिस्तान का साथ दें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो फिर से अपना वोट बैंक बचाने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने गले से लड़ाएंगे और ऐसी बातें कहेंगे जो पाकिस्तान को सूट करती हो और देश के प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ करती हो। पेश है दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट।